रेलवे इंजीनियरिंग के पार्ट वन में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था कि रेलवेज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उसको ऑपरेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट टू में अब हम व्हीकल्स यानी ट्रेन्स के अंदर मौजूद फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट टू 12 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। तो हम इसका आगाज़ करते हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो एडहेजन है। तो एडहेजन क्या है और एडहेजन क्यों ज़रूरी है, इससे इसकी वजह से क्या होता है, तो वो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो ये चैप्टर जो है 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो पहले पार्ट में हम व्हील और रेल्स का इंटरेक्शन देखेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें एडहेजन की ज़रूरत क्यों है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्योंकि अभी चैप्टर ये रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले ट्रेन्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये एक वैगन है, मतलब ट्रेन के अंदर जो एक जिसे कंपार्टमेंट होता है उसे वैगन भी कहते हैं, कार भी कहते हैं। तो ये एक वो चीज़ है। तो इसमें जो निचला हिस्सा है जिसमें व्हील्स और एक्सल्स तो लगे हुए हैं, ये बोगी कहलाता है। तो ये बोगी फ्रेम है, बोगी फ्रेम से नीचे आपके व्हील्स हैं, ये व्हील ये एक्सल है और ये स्क्वायर सी चीज़ एक्सल बॉक्स है। ये स्प्रिंग जो है ये प्राइमरी सस्पेंशन कहलाता है और ऊपर वाला स्प्रिंग जो है वो सेकेंडरी सस्पेंशन कहलाता है। प्राइमरी सस्पेंशन एक्सल को बोगी फ्रेम से जोड़ता है, सेकेंडरी सस्पेंशन बोगी फ्रेम को कार बॉडी से जोड़ता है। तो ये जो कार बॉडी है ये वो चीज़ है जिसमें जिसमें लोग पैसेंजर्स या गुड्स रखा हुआ होता है और उसका निचला जो हिस्सा मशीन जो है वो बोगी कहलाती है। ये पूरा निचला हिस्सा जो है बोगी फ्रेम तक ये बोगी कहलाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम अगले आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो ये जो एक वैगन है ये कनेक्टेड होती है दूसरी वैगन से इस तरीके से, इस तरह का एक इनको उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये हम पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके थे, रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट वन में भी। तो रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट वन में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो पार्ट टू में भी आ रही होंगी, तो उस सब का रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होती हैं, आप वैगन्स अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हैं, इस तरीके से भी होती हैं, कोई स्प्रिंग से भी हो सकती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये मिल के फिर इस तरीके से आपकी पूरी ट्रेन बनती है। तो ये एक फ्री ट्रेन है जिसमें गुड्स जाते हैं, ये हैवी वेट ट्रेन्स होती हैं, पैसेंजर्स ट्रेन्स पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा हैवी होती हैं। और इनमें ये होता है कि ये इसमें हम कंफर्ट का इतना ख्याल भी नहीं रखते क्योंकि कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पैसेंजर ट्रेन इंपॉर्टेंट है, फ्री ट्रेन्स में कंफर्ट का इतना नहीं देखते हम। और फ्री ट्रेन्स में जो इंजन होता है वो आगे होता है, मतलब एक ही वैगन में होता है, जिस वैगन के अंदर इंजन हो वो लोकोमोटिव कहलाता है और बाकी जिसमें इंजन ना हो उसको आप सिंपल वैगन कह लो या इंजन लेस वैगन कह लो, इस तरीके से कुछ भी कह लो, लेकिन जब लोकोमोटिव का वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब है उसमें इंजन है। तो इस ये चीज़ आपको आगे भी चल के बार बार रिवाइज होती जाएगी कि लोकोमोटिव क्या है और जो जिसमें इंजन नहीं लगा होता वो वैगन अलग है, क्योंकि ये इंजन वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जो होती हैं उनमें तकरीबन हर उसमें इंजन लगा हुआ होता है और फ्री ट्रेन में जैसे एक पे लगा हुआ होगा या दो पे भी, दो भी लोकोमोटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं यानी व्हील्स और रेल्स के दरमियान जो एडहेजन है। तो एडहेजन फंडामेंटल फिनोमेना है, क्यों अगर आपको कोई चीज़ मूव करवानी है तो आपको एडहेजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह आपको कोई चीज़ रोकनी है तो भी आपको एडहेजन की ही ज़रूरत पड़ेगी। एडहेजन असल में दो मटेरियल्स के दरमियान स्टिकनेस है कि दो चीज़ें आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर वो उन दोनों में एडहेजन होगी स्टिकनेस होगी तो ही मूवमेंट हो सकती है, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगी। तो और मूवमेंट की वजह भी एडहेजन है और मूवमेंट रोकने की वजह यानी ब्रेक, अगर आपको ट्रेन को स्टार्ट करना है तो भी आपको एडहेजन की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रेन को रोकना है तो भी ही आपको एडहेजन की ज़रूरत पड़ेगी। एडहेजन और फ्रिक्शन काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं और इसका जो डिफरेंस है इनका जो वो हम इसी चैप्टर के कुछ आगे आने वाले पार्ट्स में हम उसको देखेंगे। तो मेन चीज़ ये कि एडहेजन की ज़रूरत है आपको फंडामेंट मतलब मूवमेंट स्टार्ट करने में और रोकने में भी।
तो हमें जब आगे जब हमें मूव करना होता है आगे या हमें रुकना होता है तो हमें टेंजेंशियल फोर्स चाहिए होती है असल में, मूव करने के लिए भी और रुकने के लिए भी। टेंजेंशियल फोर्स लेस देन इक्वल्स टू होती है एडहेजन इनटू वेट या लोड ऑफ इंजन। ये अभी इंजन वाला वर्ड है, ये आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। तो पहले तो ये चीज़ समझ लें कि आपको अगर आगे मूव करना है तो आपको एक टेंजेंशियल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी टी, और टी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा फाई यानी एडहेजन इनटू पी यानी लोड या वेट ऑफ इंजन। तो ये इंजन क्या चीज़ है, ये है कि जैसे भी हमने पिछली जो एक पिक्चर थी उसमें ये देखा था कि सिर्फ ये जो लोकोमोटिव है ये एक लोकोमोटिव है ना। अब अगर मैं पूरी ट्रेन का वेट लूँ तो वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मूवमेंट कौन सी चीज़ करवा रही है, जो सिर्फ लोकोमोटिव है ये करवा रहा है मूवमेंट। ये अगर लोकोमोटिव हटा दूँ मैं तो ये पिछली चीज़ें ये तो मूव ही नहीं हो सकती क्योंकि इनमें इंजन ही नहीं है। तो जब जहाँ इंजन होगा वहीं से मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो जहाँ इंजन होगा उसी कंपार्टमेंट कार या वैगन या जो भी चीज़ है जिसको लोकोमोटिव कहते हैं, जहाँ मतलब जो लोकोमोटिव का वेट होगा वो ही वेट इधर इंक्लूड करना है इस फॉर्मूले में, पूरी ट्रेन का नहीं आएगा, सिर्फ जहाँ जहाँ जिस जिस डब्बे में आपका लोकोमोटिव वो इंजन होगा उस डब्बे का वजन आएगा। अगर जैसे अगर मेट्रो है जिसमें सब डब्बों में इंजन होता है, सब वैगन में इंजन होता है, तो उसमें फिर पूरी ट्रेन का वेट आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि वेट जो है वो सिर्फ लोकोमोटिव के का आएगा, यानी इंजन लिखने का मतलब ये कि जहाँ जिस जिस वैगन में इंजन होगा वहाँ का ही वेट आएगा, अदरवाइज वो आप वेट इंक्लूड नहीं करोगे। तो इससे ये चीज़ जस्टिफाई भी होती है कि जिस जितना इंजन होगा, जितने ज़्यादा इंजन होंगे उतनी ज़्यादा टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट होगी, और जितने कम इंजन हो, क्योंकि अगर एक ट्रेन ऐसी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि उसमें एक लोकोमोटिव है और 10 उसके पीछे वैगन है सिंपल, इसी तरह एक और ट्रेन है जिसमें एक लोकोमोटिव है और एक ही वैगन है, तो टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट दोनों में सेम होंगी क्योंकि दोनों में एक ही लोकोमोटिव है और हर दोनों लोकोमोटिव का एक ही जितना वजन है, लेकिन मूव एक तेज़ कर रही होगी एक स्लो कर रही होगी क्योंकि एक को कम चीज़ को खींचना है उसी फोर्स के साथ और दूसरी वाली को उसी फोर्स के साथ ज़्यादा डब्बों को खींचना है। तो जो एक कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें एक इंजन था यानी एक लोकोमोटिव था और एक उसके साथ मजीद वैगन लगी हुई थी, वो तेज़ मूव करेगी क्योंकि फोर्स उसके पास वही है, लेकिन उसको एक डब्बा ही खींचना है मजीद। और जो दूसरी ट्रेन थी जिसके अंदर एक लोकोमोटिव था और उसके साथ 10 वैगन और लगी हुई थी, वो स्लो मूव करेगी क्योंकि पावर वही है, मतलब वो ट्रैक्शन फोर्स वही है, लेकिन ज़्यादा वजन खींचना है उसको, तो इसलिए वो स्लो चलेगी। तो जितने ज़्यादा इंजन होंगे तो उतना उन सब का वज़न आप जो है वो पी में रखेंगे तो जाके आपको टेंजेंशियल फोर्स मिलेगी। तो जितने ज़्यादा इंजन होंगे उतना ज़्यादा पी होगा और उतनी ज़्यादा टेंजेंशियल फोर्स होगी। इंजन होने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा लोकोमोटिव होंगे। इसी तरह अगर एक और चीज़ देखें तो जितनी ज़्यादा एडहेजन होगी उतनी ज़्यादा टेंजेंशियल फोर्स होगी, एडहेजन कम होगी तो टेंजेंशियल फोर्स कम हो जाएगी। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ये है कि हमारा अगर एक लोकोमोटिव है और लोकोमोटिव का कुछ वेट है या लोड कह लो, वो आप पुट करोगे इधर और जो व्हील्स और रेल्स के हिसाब से जो एडहेजन की वैल्यू वो पुट करोगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका मैक्सिमम ट्रैक्शन फोर्स होगी या टेंजेंशियल फोर्स कह लो, मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स होगी वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी टेंजेंशियल फोर्स मतलब आपके इस वेट के और एडहेजन के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टेंजेंशियल फोर्स जनरेट कर सकते हो वो ये टी होगी। तो ये लेस देन इक्वल्स टू का मतलब है कि या तो इससे कम ही जनरेट कर रहे होगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतनी जनरेट करोगे क्योंकि जितनी फाई और पी को मल्टीप्लाई करने पर आएगी। तो हम वेट वाली बात तो समझ, जो जितने ज़्यादा लोकोमोटिव होंगे उसकी बात तो समझ में आती है, एडहेजन की बात अगर हम समझें तो ये होता है कि अगर एडहेजन ना हो, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि एक बर्फ है, आइस है, आइस के ऊपर व्हील्स घूम रहे हैं, ठीक है, तो वेट तो है उधर, टी इंजन तो है,
लेकिन एडहेजन नहीं है या बहुत कम है। तो अगर एडहेजन जीरो से बहुत ज़्यादा करीब होगी तो वेट कितना ही हो जाए, पहले जीरो से मल्टीप्लाई करने पर टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो जाएगी, तो आपकी व्हीकल आगे मूव नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे ये टायर है और ये बहुत स्पीड से घूमने की कोशिश घूम रहा है, ठीक है, तो वेट तो है आई स्पेस का, अगर मैं इसका वेट बोलूँ तो पी तो है इधर, लेकिन एडहेजन नहीं है, तो आप देखें टेंजेंशियल फोर्स जनरेट नहीं हो रही, और देखेंगे बिल्कुल हल्की सी कोई जनरेट हो रही है मामूली सी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है। तो ये जो है इस तरीके से सिर्फ वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एडहेजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ों से मिलके ही टेंजेंशियल फोर्स जनरेट होती है। टेंजेंशियल फोर्स होती है जनरेट होगी इस डायरेक्शन में, तो वो व्हील्स आगे मूव करना शुरू कर देगा आपका, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। तो अगर एडहेजन है और वेट नहीं है तो भी नहीं मूव करेगा, और अगर वेट है एडहेजन नहीं है तो भी मूव नहीं करेगा। दोनों केस में टेंजेंशियल फोर्स जनरेट नहीं होगी, तो दोनों एडहेजन और वेट होंगे तो ही टेंजेंशियल फोर्स जनरेट होगी, और वो जो टेंजेंशियल फोर्स जो जनरेट होगी वो मैक्सिमम हो सकती है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, वरना इससे कम ही होगी जनरेट। ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सकती है ना वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी, वरना इनसे कम ही होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो एडहेजन जैसे अभी हमारे वाले केस में हमारा जो व्हील है और रेल दोनों स्टील हैं, तो उनमें जो टेंशन फोर्स जो होती है वो अगर लुब्रिकेशन हो, अगर ऑयल हो स्टील और रेल्स के दरमियान, तो 0.1 वैल्यू होगी, और अगर ऑयल ना हो, थोड़ा सा दूसरी कोई कंटामिनेशन हो या वैसे गीली हो वेट हो, तो 0.3 होगी। ऑयल ज़्यादा ख़तरनाक है, पानी कम ख़तरनाक है रेल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं पानी वगैरह में 0.3 आ जाएगी, लुब्रिकेशन में 0.1 हो जाएगी, और अगर बिल्कुल सूखी हो और साफ सुथरी हो तो 0.8 हो जाएगी। ये बहुत अच्छी एडहेजन है, और इस एडहेजन की वजह से ज़्यादा ट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगी। इसके अलावा अगर आप रबर और एस्फॉल्ट को देखें, मतलब टायर रबर टायर्स होते हैं गाड़ियों के और एस्फॉल्ट के देखें, तो उसमें अगर रोड गीली है तो 0.2 वैल्यू होगी, और अगर रोड सूखी हुई है तो 1 वैल्यू होगी। तो सूखी हुई रोड के अंदर आपकी एडहेजन ज़्यादा होगी, तो आपकी टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा होगी। टेंजेंशियल फोर्स जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है ट्रैक्शन जो कि आपको आगे मूव करने में मदद करती है, एक होती है ब्रेकिंग फोर्स जो आपको रोकने में मदद करती है। तो अभी आपको बताया था कि एडहेजन आगे मूव करने में भी मदद करता है, रोकने में भी मदद करता है। तो आगे मूव करने में जो मदद करता है वो टेंजेंशियल फोर्स ट्रैक्शन फोर्स कहलाती है, और जब रुकने में मदद करता है एडहेजन तो वो टेंजेंशियल फोर्स ब्रेकिंग फोर्स कहलाती है। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है, और ये इस तरीके से ये जो एडहेजन है इसको, मतलब अगर हम ये देखें तो इस रेल्स की एडहेजन कम है और एस्फॉल्ट यानी ये जो टायर्स वगैरह की और रोड के दरमियान जो एडहेजन है वो ज़्यादा है, तो यहाँ टेंजेंशियल फोर्स जनरेट ज़्यादा होती है। तो ये इस तरीके से है कि अगर आप गाड़ी को धक्का लगाएं तो आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी उसको धक्का लगाने के लिए, क्योंकि इसका वेट और एडहेजन के हिसाब से उसको आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी अगर आप सिर्फ धक्का लगाएं। लेकिन उसी वेट की चीज़ अगर आप रेल्स पर रख देते ना और उसका व्हील स्टील के हों, तो उसका आप धक्का लगाएंगे तो वो बहुत कम, मतलब आप आराम से धक्का लगा सकते हैं क्योंकि उसमें एडहेजन कम है। तो जब आपकी जो ट्रेन होती है, वैसे तो ट्रेन का वेट ज़्यादा होता है इसलिए उसको धक्का लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर ट्रेन का वेट कार जितना हो तो उसको धक्का लगाना बहुत आसान है बनिस्बत कार हो और रोड पे खड़ी हो। तो कार अगर रोड पे खड़ी है तो उस पर मुश्किल होगी आपको फोर्स लगाने में, उसको मूव कराने में, लेकिन अगर कार अगर रेल्स पर है, उसके टायर स्टील के हों, तो आप बहुत आसानी से उसको धक्का दे सकते हो। तो इसमें ये जो आपको जो कॉन्सेप्ट आपका समझने का है वो ये है कि टेंजेंशियल फोर्स जो है वो एडहेजन और लोड दोनों पे डिपेंड करती है, और लोड आपको जो लेना है वो लोकोमोटिव का लेना है, और एडहेजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा टेंजेंशियल फोर्स जनरेट होगी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करने पर जो चीज़ आएगी वो मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स होगी, इससे ज़्यादा टेंजेंशियल फोर्स जनरेट नहीं हो सकती, उतनी होगी या उससे कम होगी। तो
एडहेजन का ताल्लुक स्पीड से भी है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है एडहेजन की वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर आपकी जैसे ड्राई रेल है तो आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे आपकी एडहेजन की वैल्यू आसान से कम होती जाएगी। इसी तरह अगर वेट रेल है तो उसमें भी सेम फिनोमेना आपको देखेगा। दोनों ज़्यादा ड्राई रेल की एडहेजन ज़्यादा होगी किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं जीरो पे देखता हूँ, जीरो स्पीड पे देखता हूँ या किसी भी पॉइंट पे देखता हूँ, अगर मैं 100 पे भी देखता हूँ तो ड्राई रेल हमेशा ऊपर ही रहेगी वेट रेल से। लेकिन दोनों में डिक्रीजिंग ट्रेंड है अलॉन्ग द स्पीड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, चाहे ड्राई रेल हो चाहे वेट रेल हो, दोनों डिक्रीज होती जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एडहेजन हो वो मतलब 0.1 से कम ना हो, क्योंकि अगर 0.1 से वैल्यू कम होती है तो फिर ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्योंकि एडहेजन स्टार्ट करने में इम्पॉर्टेंट है तो रोकने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वैल्यूज 0.1 से कम होंगी तो ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स आएंगे। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एडहेजन की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी ब्रेकिंग डिस्टेंस उतना ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि ब्रेक बड़ी देर से लगेगा तो आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर चुके होंगे ब्रेक मारने में। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी एडहेजन की उतना कम ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा, और जितनी कम एडहेजन वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है स्पीड का और ब्रेकिंग। स्पीड में भी यही है कि स्पीड बढ़ती जाएगी एडहेजन कम होती जाएगी, और एडहेजन कम होती जाएगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आपको इसको इस तरह समझ सकते हैं कि स्पीड बढ़ रही है तो एडहेजन कम हो रही है, और एडहेजन कम हो रही है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये वैल्यूज़ हैं। तो डीजल ट्रैक्शन हो तो उसमें 0.17 एडहेजन आ रही होती है फ्री एक्सेस में। कपल्ड एक्सेस हो, ये कपल्ड एक्सेस ये अगले पार्ट में हम देखेंगे, तो उसमें 0.25 आपको एडहेजन आती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन फ्री एक्सेस में हो तो 0.2 होगी, डीजल में जैसे 0.17 है तो इलेक्ट्रिक में 0.2 होगी। तो इसका मतलब ये है कि डीजल ट्रैक्शन जो है वो कम टेंजेंशियल फोर्स जनरेट करता है, यानी वो ट्रैक्शन फोर्स भी कम जनरेट करेगा, ब्रेकिंग फोर्स भी कम जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रिकल जो ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिकल इंजन जो होंगे वो ट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा जनरेट करेंगे तो ब्रेकिंग फोर्स भी ज़्यादा जनरेट करेंगे। दोनों चीज़ों में आपका इलेक्ट्रिक जो है वो सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा। तो नेक्स्ट जो है, अब हम कपल्ड और अनकपल्ड एक्सल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है।